काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर से हमने जस्ट पिछले ही लेक्चर में शुरू किया था और बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दी आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो आई वाज टेलिंग दैट के वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद दी चैप्टर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दी आइडियल गैस एंड द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एन एल एंड विद दैट वी हैव सीन सेवरल न्यूमेरिकल्स एज वेल। सो इन दिस लेक्चर मैं उसी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन पर आगे के जो इलस्ट्रेशन हैं आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर अपनी बात को कंटिन्यू रखूंगा। आई गेस इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 8, राइट? सो यस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आपके माइंड में है, जो जो बातें आपको मैंने बताई थी लास्ट टाइम अबाउट नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशंस, अबाउट एवोगाड्रोस नंबर, अबाउट वंडरवॉल्स इक्वेशन, अबाउट अ जनरल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट, वो सारी बातें आप अपने जहन में रखें, अपनी नोटबुक सामने रखें और उसी कंसेप्ट को कैरी करते हुए हम आगे के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इन अ वेसल ऑफ ओपन माउथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे ओपन माउथ, द वेसल इज नॉट कंसील्ड, इट इज नॉट पैक्ड, इट्स ओपन। जब इस तरीके का वेसल हमारे सामने आता है तो याद रखिए इट इज ओपन टू एटमोसफियर, तो वेसल का प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे कुछ कर लें उसमें, उसका प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ओपन माउथ वेसल का मतलब हम हमेशा ये मानेंगे, यस, कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि उसका एंड उसका माउथ जो है वो ओपन टू एटमोसफियर है और हमेशा उसमें एटमोसफियर का प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। नाउ दिस वेसल इज हीटेड टू अ सर्टन टेम्परेचर टी सो दैट 1/4 ऑफ द एयर स्केप्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसको हीट किया तो 1/4 पार्ट उसका एस्केप हो गया, ठीक है। तो लेट्स से कि इन इनिशियल कंडीशन देर वॉज मास एम वन इन द वेसल एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट वाइल वी हीट इट टू अ सर्टन टेम्परेचर टी ये मास हमारा हो जाता है M1, 1/4 पार्ट एस्केप हो गया ना, तो 3M1/4, ठीक। यस तो फिर ये हमसे पूछ रहा है कि ये टेम्परेचर क्या है, कितना टेम्परेचर ये हो सकता है। नो, सबसे पहले बच्चों आप ये करें कि ये जो 60 डिग्री है आप सेल्सियस है, इसको आप कन्वर्ट कर लें +273 करके, कितना हो जाएगा ये, 33 33 33 केल्विन। उसके बाद बच्चों आप सिंपल सी इक्वेशन अप्लाई करें, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ यू सी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में आप ऐसे लिखोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आर टी, ठीक है। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। अब इसमें दो बातें आप सोचें बच्चों, कि इनिशियल कंडीशन में जो प्रेशर है फाइनल कंडीशन में भी वही प्रेशर होगा, इनिशियल कंडीशन में जो वॉल्यूम है कंटेनर की फाइनल कंडीशन में भी वही वॉल्यूम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये मास। मास और इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। तो अगर हम इस इक्वेशन को बच्चों सॉर्ट आउट कर लें या इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं मास इंटू टेम्परेचर, मास इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू पी जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, और ये सारा का सारा जो टर्म है ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम ये क्लेम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के हद तक कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक। हेंस फोर्थ हमारा जो सॉल्यूशन यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा वो कुछ ऐसा होगा कि M1T1 इज इक्वल टू M2T2। अब M1 मास तो बच्चों M1 ही ट्रीट किया जाएगा, T1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जैसे हमने लिखा 333, और M2 जो है बेटा वो कितना होगा 3 M1 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T विच वी आर सपोज टू कैलकुलेट।
सो यहाँ बस एक हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, ये M1 M1 फैक्टर से कट जाएगा, दिस विल गेट कैंसल विथ 1 1 1 एंड यू मे गेट द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर एज 1 1 1 इंटू 4, देयर फोर टी विल बी इक्वल टू 4 4 4 डिग्री केल्विन, बट यू सी आवर आंसर इज इन सेल्सियस, तो सेल्सियस में बस अपने आंसर को यहाँ पे रीडेवलप कर लें. सो दिस टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू 444 माइनस 273, कितना हो जाएगा? 171. So you may get here the answer as 171 degree Celsius. So this will be the option. Okay, अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन हमें कुछ बातें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं कि ओपन वेसल अगर हमारे पास है तो उसका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उस वेसल के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम सोचते हैं तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट मानी जाएगी. ओके, थोड़ा सा स्लो ही लिया मैंने पहला क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं. If the intermolecular forces vanishes away, the volume occupied by the molecules contained in 2.5 kilogram of water at a standard temperature pressure will be given by. कितनी वॉल्यूम वाटर की आएगी अगर उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज खत्म हो जाते हैं? इसका हमें एक टेक्निकल मतलब समझना पड़ेगा या कंसेप्चुअल मतलब समझना पड़ेगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज खत्म होने का क्या मतलब है. तो सिंपल बात है, आइडियल वाटर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, मतलब H2O जो बाइंडिंग है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो उसकी वजह से वो H2O मॉलिक्यूल बंधा हुआ है वो फ्री हो जाएगा एंड इट विल बिकम वाटर वेपर. मतलब अब वो वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा बल्कि वेपर फॉर्म में रहेगा. ठीक है, अब आप जरा सोचें कि H2O किस हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा. 18. ऑक्सीजन का 16 आ गया, एक एच वन और ऐसे दूसरा एच वन, तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 18 आ जाएगा, 18 ग्राम ग्राम मोल हमें ऐसे लिखना चाहिए. अब हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना है, तो आंसर है 4.5 किलोग्राम. किलोग्राम का फिर हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा ग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना हो जाएगा ये इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आप सब जानते हो बेटा, इसका आंसर आता है एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, है ना, द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट. सो दिस इज गोइंग टू बी 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 18. डोंट कैलकुलेट, लेट इट बी एज सच. अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. तो बच्चों एक सोचने वाली बात है कि इफ आई हैव वन मोल ऑफ एनी गिवन गैस, किसी भी गैस का वन मोल इतना अमाउंट है मेरे पास, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4. वेरी गुड, दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, करेक्ट जा रहे हैं. तो फिलहाल हमारे पास कितना मोल है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 18, इतना मोल है. तो लेट्स से कि वो वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है. इफ वन मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, देन दिस मच मोल ऑक्यूपाइज व्हाट? वी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर रेडी हो जाएगा. दैट इज 22.4, सॉरी फॉर दैट, 22.4 इंटू दिस फैक्टर दैट इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 18. कैलकुलेशन पूरा करें और बताएं क्या आंसर आता है. 5600. यस, तो यहाँ पे जो हमको आंसर मिल रहा है एज यू कैलकुलेटेड दैट इज 5600 एंड दिस हैज टू बी मेजर्ड इन लीटर, क्योंकि हमने ये जो 22.4 है ना ये लीटर में लिया था. बट यू सी यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमको मिल नहीं रहा है एंड वी हैव ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल इन लीटर, बाकी सब तो हमको मीटर क्यूब में है. तो हमें कुछ बेसिक बातें यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है. तो इसे बच्चों अच्छे तरीके से कहीं नोट कर लें आप. लेट मी राइट हियर कि वन लीटर जब हम लेते हैं, वन लीटर ऑफ अ वॉल्यूम, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. ठीक है, 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. यू कैन ऑल्सो राइट वन लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliter when needed, and you can just also write as 1 liter is equal to 10 to the power 3
क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी चलेगा, सीसी। तो फिलहाल तो जो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं या कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाली, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 m³। तो ये लीटर का कन्वर्जन हमें करना है, तो हम यहाँ इसको 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 5600 इंटू क्या हो गया, 10 to the power -3, एंड आंसर इज एक्सपेक्टेड इन m³। देयरफॉर फाइनल आंसर वी मे राइट एज 5.6 m³। दिस विल मैच विद आवर फर्स्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, यस, यस सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। कुछ अगर समझने में प्रॉब्लम आ रहा है या कोई पॉइंट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो लेट मी नो, आई विल गिव मोर एक्सप्लेनेशन। नाउ प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी ऑफ अ गैस इन अ जार ए एंड द अदर गैस इन अ जार बी एट प्रेशर 2p, वॉल्यूम v बाई 4 एंड टेम्परेचर 2t, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन जार ए एंड बी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है बेटा, pv इज इक्वल टू nRT, आपको याद होगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई दी एवोगाड्रोज नंबर इन टू RT। तो वेन एवर नीडेड हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का इक्वेशन बना सकते हैं, pv na डिवाइडेड बाई RT। आर थिंग्स क्लियर? यस अब यहां पे हमें सिर्फ हैंडल करना है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो ये आर और एन ए फैक्टर वैसे भी कांस्टेंट है, तो रेशियो लेते वक्त ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, सो इफ आई स्टार्टेड काउंटिंग इट फॉर जार ए एंड जार बी, सो लेट्स टेक द रेशियो एज एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। सो दिस इज गोइंग टू बी रिटर्न एज पी वी बाई टी फॉर करस्पॉन्डिंग जार ए एंड देन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर करस्पॉन्डिंग जार बी। अब जार ए के लिए तो ये सब कुछ पी वी और टी ही है, लेकिन जार बी के लिए इसमें फर्क पड़ रहा है ना। देखें आप, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, तो जार ए के लिए बेटा ये पी वी डिवाइडेड बाई टी है, कोई टेंशन नहीं है। जार बी के लिए प्रेशर कितना है, टू 2p v पी, वॉल्यूम कितनी है, बाई by 4 फोर, एंड टेम्परेचर कितना है। 2t तो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल कर लें, पी वी टी, पी वी टी कैंसिल हो गया। आर थिंग्स क्लियर? यस ये जो 4 है ना, ये इधर चला जाएगा, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और ये 8 फिर जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब हमको मिलेगा 8/2, दैट विल बी इक्वल टू 4/1, एंड दैट विल मैच विद द ऑप्शन डी। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन। आ गया ठीक से समझ में? यस ओके, बढ़िया, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये काफी सारी बुक्स में अवेलेबल है, बहुत सारी जगह पे आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। मे बी ये शायद किसी एग्जाम में ही पूछा है। एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास एम एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन डी। ठीक है, तो किसी आइडियल गैस के बारे में बात चल रही है, और उसके एक्सपांशन को, मतलब यहाँ से देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस स्केल पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका जो एक्सपांशन है वो एक स्ट्रेट लाइन डी से बताया जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से बताया जा रहा है। और ये जो नंबर्स है ना यहाँ पे, 1, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 1, 2 एंड देन 4 एंड देन 6 एंड देन 8, ये स्लोप है, ये इन लाइंस के स्लोप है, याद रखिए, ये स्केल की मार्किंग नहीं है। ये नंबर्स क्या है, मैं दोहरा दूं, क्या है ये स्लो आर स्लोप ऑफ स्लो दीज लाइन्स। एक्चुअली इस डायग्राम में और ज्यादा क्लियरिटी रहनी चाहिए थी, बस, बट मैं इस बात को एडिशनली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि ये स्लोप है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि देन द एक्सपांशन ऑफ द सेम आइडियल गैस, सेम आइडियल गैस लिया हमने, बट हमने उसका मास 2m कर दिया है, और फिर उसके प्रेशर को हमने p/2 कर, सॉरी p/2 कर दिया है, तो फिर उसका आपको स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो वो स्ट्रेट लाइन कौन सी पर्टिकुलर लाइन से आइडेंटिफाई की जा सकती है, ए बी सी या ई। ठीक है, तो बच्चों एक बेसिक बात समझे यहाँ पे, अगर ये सारी चीजें स्लोप हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर हम स्लोप को डिफाइन करते हैं, तो वी नो दैट स्लोप इज नथिंग बट इक्वल टू द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई अ पैरामीटर ऑन एक्स एक्सिस, देन द स्लोप हैज टू बी इक्वल टू वॉट, v/t, या मोर करेक्टली बोलें तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। एम आई करेक्ट विद दिस, वॉल्यूम बाई टेम्परेचर?
Yes, sir. Yes, because volume, this parameter is on the y-axis and temperature is on the x-axis and slope always is going to be v by t. अब पहले केस में जो स्लोप है ना बच्चों, पहले केस में जो v by t फैक्टर है, केस वन, ठीक है, विथ v by t फैक्टर, मोर और लेस मुझे लिखना चाहिए डेल्टा v by डेल्टा t, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एज v by t, वो कितना आंसर रखता है? टू. इतना आंसर आ रहा है बच्चों उसका. क्लियर है? Yes. इतना थोड़ा अपने माइंड में रखें और फिर आगे के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जाते हैं. नाउ इफ यू ट्राई टू अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन, देन वी हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. डू रिमेंबर दैट के पीवी इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट मास एम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड देन आर एंड देन डी. तो बच्चों आप सोचो अगर यहाँ पे, तो वी बाई टी ये जो फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो दिस विल बिकम एम आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इन टू पी. इज इट ओके विद दिस? यस सर. यस. नाउ थिंक ऑन दिस आइडिया कि आर और एम तो कॉन्स्टेंट है. आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, सेम आइडियल गैस है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कॉन्स्टेंट होगा. सो वी बाई टी ये रेशियो बेसिकली डिपेंड कर रहा है, डिफाइन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ मास ऑफ द गिवन गैस एंड इट्स प्रेशर. ठीक है, अब सोचो पहली सिचुएशन में अगर मैं वी बाई टी को लिखता हूं, बाकी सारी चीजें अगर मैं कॉन्स्टेंट मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो एम बाई पी इस चीज का आंसर मुझे क्या मिल रहा है? टू मिल रहा है, बिकॉज द स्लोप इज टू. सी दिस वी बाई टी. अब बच्चों सेकेंड सिचुएशन में अगर हम इसको लिखते हैं, सेकेंड सिचुएशन वी बाई टी इन सेकेंड सिचुएशन, तो हमने मास कितना कर रखा है? टू एम, और प्रेशर हमने कितना किया? वी बाई टू. मतलब सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा फोर टाइम्स ऑफ एम बाई पी. करेक्ट है? यस. नाउ थिंक ऑन दिस कि ये एम बाई पी क्या है? टू. टू है. So this will become 4 into 2, which is nothing but equal to 8. मतलब second situation का slope, second condition का slope कितना आना चाहिए? और 8 slope A line का है. Option D आ जाएगा. Yes. Correct है? आ गया समझ में आपके? Yes. तो it is a very nice question to answer. अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, एकदम परफेक्ट. किसी को डाउट है इसमें? नो सर. माइक देखो बार बार किसी का ऑन हो रहा है, प्लीज उसका ध्यान दें. ये लेक्चर रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. हम लोग बिल्कुल आराम से इत्मीनान से चलते हैं, चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते हैं पढ़ते वक्त समझते वक्त. आप बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा. हाँ बोले तो करेक्ट है. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इफ द वैल्यू ऑफ मोलार गैस कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल आर की बात चल रही है, तो ये जो वैल्यू है 8.3, ये कैपिटल आर की है. अब ये हमसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट क्या है स्मॉल आर. तो इट इज बेस्ड ऑन अ रिलेशन, स्पेसिफिक गैस कॉन्स्टेंट स्मॉल आर इज इक्वल टू मोलार गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, अब यहां पर हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो 8.3 तो ये स्टैंडर्ड है हाइड्रोजन के लिए. हाइड्रोजन एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? टू. एच टू, तो ये टू से डिवाइड कर लें आप, आपका आंसर रेडी हो गया. कितना आंसर आएगा? 4.1. वही स्टैंडर्ड यूनिट उसका यूज होगा. सो ऑप्शन ए विल रन. तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे याद रखिए कि जब हम किसी भी गिवन गैस के लिए स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट फिगर आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है अपना कैपिटल आर, उसको उस गैस के मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए एक सारा कैलकुलेशन करने लग जाऊं, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे? 32. 16 16 ऑक्सीजन गैस के हिसाब से अगर हम बात करें तो. लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गैस इन कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर गैस इन कंटेनर बी. नाउ कीप इन माइंड थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम है. ठीक है, टेम्परेचर इज सेम या कह सकते हो कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द कंटेनर्स.
So they are in thermal equilibrium. Both container have equal masses of two gases. Now they may have different gases. ठीक है, with another gas, मतलब वैसे बोल भी दिया उसने, लेकिन masses same है उसके. Masses बिल्कुल same है. तो फिर ये पूछ रहा है कि which of the following can be true? इनमें करेक्ट क्या हो सकता है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है एंड सो ऑन. तो देखिए यहाँ हम आइडियल गैस को बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को रादर मुझे कहना चाहिए. बेटा ये है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, विच मीन्स पी वी इज इक्वल टू एन स्मॉल एम, यानी कि मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इंटू टेम्परेचर एंड दिस आर एज अ कॉन्स्टेंट. आप सोचें हमने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर दिया है बिकॉज दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, इक्वल मासेस ये भी इसने अपने को क्लैरिफाई कर दिया है. ठीक है, इस बात को हम अंडरलाइन करते हैं कि इक्वल मासेस है, मतलब ये भी फैक्टर चला गया, ये फैक्टर कांस्टेंट में चला गया, ये फैक्टर कांस्टेंट में चला गया. अब बचा क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट. अब मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं हो सकते हैं बिकॉज इसने हमें क्लियरली स्टेट कर दिया है कि ये अनदर गैस, अनदर गैस है. अब दूसरी गैस के बारे में जब हम बात करेंगे सो वी मे हैव डिफरेंट मोलिकुलर वेट, अलग मोलिकुलर वेट होना चाहिए. जब बात अनदर गैस की चल रही है तो डेफिनेटली वो एक डिफरेंट मोलिकुलर वेट की बात कर रहा होगा. तो इसका सीधा मतलब यही निकला ना बच्चों कि पीवी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं हो सकता. ठीक है, पीवी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट कब हो सकता है, जब उसके सामने के आने वाले सारे पैरामीटर्स कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट कांस्टेंट होने चाहिए. तो फिर दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी. अब ए ऑप्शन तो चला गया, अगर पी वी कॉन्स्टेंट होता तब जाके हम लिखते हैं ना पी ऑफ पी ए वी ए शुड बी इक्वल टू पी बी वी बी, ये तो कॉन्स्टेंट नहीं है. ठीक है, अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सोचना चाहिए कि हम इस अरेंजमेंट को इस तरीके से बना सकते हैं कि प्रेशर को कॉन्स्टेंट मेंटेन करें और वॉल्यूम डिफरेंट लें, वॉल्यूम डिफरेंट लें. पीवी दोनों मिला के तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं ना कि प्रेशर को कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम अलग अलग लें. कैन वी डू दैट, मतलब दो अलग अलग कंटेनर लें, एक छोटा एक ले लें, एक बड़ा एक ले लें, और दोनों में प्रेशर सेम मेंटेन करें, और छोटा बड़ा कंटेनर लिया है तो वॉल्यूम अलग अलग हो गया. तो ये एक पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है. यस सर. दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ऐसी भी हो सकती है कि हम वॉल्यूम सेम करें. अगर मैंने वॉल्यूम सेम किया तो खुद ब खुद प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. यस और नो? यस सर. तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए वी हैव टू चॉइसेस, आइदर वी कैन मेक प्रेशर सेम एंड मेक वॉल्यूम डिफरेंट, और वी कैन गो फॉर सेम वॉल्यूम एंड डिफरेंट प्रेशर. सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, बी एंड सी. ये दोनों तो नामुमकिन है, मतलब ये हो ही नहीं सकते. ये तो बिल्कुल ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक के लिए इस ऑप्शन को दिया गया था, ये चौथा ऑप्शन क्या रखें, तो ऐसे ही दे दिया इसने, कुछ का कोई मतलब ही नहीं बनता. गेटिंग इट राइट? यस सर. ओके, थिंक ऑन इट. व्हाट आई एम सेइंग इज थिंक ऑन इट केयरफुली. टू मी आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन, बट आप इसको गहराई से समझें. Let's move on to the next question. That's question number 15. Now, two identical glass bulbs. Identical, जैसे उसने बोल दिया ना, ये बात समझ लें कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है. कंटेनर को जब आइडेंटिकल बोलता है ना वो, तो वॉल्यूम सेम माने जाएंगे. नाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, अ थिन ग्लास ट्यूब. द गैस इज फिल्ड इन दीज बल्ब्स एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब होता है टेम्परेचर हमें लेना है 273 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमें लेना है 1 एटमॉस्फियर. ठीक है, 1 एटमॉस्फियर प्रेशर एंड द टेम्परेचर इज 273 डिग्री सेल्सियस. यस, 273 केल्विन. हाँ, केल्विन केल्विन. इफ वन बल्ब इज प्लेस्ड इन आइस एंड द अदर बल्ब इज प्लेस्ड इन हॉट बाथ, तो एक पे हमने आइस लगा दिया, ठीक है, और दूसरे पे हमने हॉट बाथ. अब ये कितना टेम्परेचर है इसका ये नहीं पता हमें, यहाँ बॉइलिंग की बात नहीं चल रही है कि चलो भाई हम वाटर की बॉइल की बात कर लें तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी नहीं बोल रहा.
वो आइस वाले के बारे में हम कंफर्म हो सकते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, बड़ा यस आइस। अब ये कह रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ के हो जाएगा 1.5 टाइम्स, दोनों का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा एंड इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 1.5 टाइम्स टाइम्स। तो फिर ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इसका टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल टेम्परेचर, ये जो हॉट बात है इसका फिर पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, हमें ये फिगर आउट करना है। अब इस पूरे न्यूमेरिकल में एक बात कॉमन है या एक बात समझने लायक है जिसके लिए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया जा रहा है। देखो इनिशियली इन दोनों में सेम वॉल्यूम भरी होगी, दोनों का प्रेशर सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, सब कुछ फाइन, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है ना, सब कुछ सेम आइडेंटिकल, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन जब हम एक को हॉट करते हैं और एक को कोल्ड सिचुएशन में लाते हैं तो यहाँ गैस का एक्सपांशन हो जाएगा, जहां हॉट बात है वहां पर क्या होगा, गैस का एक्सपांशन होगा। तो यहां अगर गैस एक्सपांड होती है तो उसको ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, और उस ज्यादा वॉल्यूम को कंपेंसेट करने के लिए, उस ज्यादा वॉल्यूम को अचीव करने के लिए एक्सपांडेड गैस जो है इस पाइप को क्रॉस करते हुए इधर चली जाएगी, तो प्रेशर में कुछ अनइक्वालिटीज आएंगी। प्रेशर पहले के मुकाबले में पी ऐसा नहीं रहेगा, वो बोला प्रेशर बढ़ रहा है ओवरऑल, तो फिर वो बढ़ के कितना हो गया, 1.5। लेकिन एक बात बच्चों इसमें कॉमन है, पहले जितने मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स यहां थे, टेम्परेचर अनइक्वल करने के बाद भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स वहां पर हैं टोटल दोनों का मिला के, सही है, यस क्योंकि यहां से कुछ गैस निकल गई इधर गई, बस इतना ही हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का की एस्पेक्ट क्या है, सॉल्यूशन हिंट क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द टेम्परेचर अनइक्वालिटी एंड द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर दिस टेम्परेचर अनइक्वालिटी इज आइडेंटिकल, क्योंकि गैस कहीं से लीक होके बाहर तो गई नहीं, बस इधर से उधर, इधर उधर से इधर थोड़ी बहुत ट्रांसफर हो गई होगी। अब बच्चों आप याद करो या रिकॉल करो तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स का जो अपना एक इक्वेशन होता है ना, वो होता है प्रेशर वॉल्यूम अपॉन RT, करेक्ट है, इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। तो इन सिचुएशन वन यानी कि बिफोर, पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, PV डिवाइडेड बाय R इनटू 273 प्लस दूसरे कंटेनर में PV डिवाइडेड बाय R इनटू 273, सही जा रहा हूं मैं, ये सुनो सही किया बेटा मैंने, पीवी पहले कंटेनर का प्रेशर वॉल्यूम, आर 273 स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था उसको, तो आर इंटू 273, सही जा रहा हूं मैं, दूसरे कंटेनर का। अब जब हमने टेम्परेचर अनइक्वालिटीज की तो प्रेशर कितना हो गया, 1.5 टाइम्स। P, वॉल्यूम तो बच्चों अभी भी उतना ही है, गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दोनों का आइडेंटिकल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इसके हिसाब से लिखूंगा तो वही है, डिवाइडेड बाय आर इनटू 273। जरा सोचो इसका टेम्परेचर तो अभी भी 273 है आइस का, प्लस दूसरे कंटेनर के बारे में प्रेशर अभी भी कितना हो गया बढ़ के वहां पे, डिवाइडेड 1.5 बाय सॉरी 1.5 पीवी डिवाइडेड बाय आर इनटू, ये नया टेम्परेचर कितना है हमको पता नहीं, इस हॉट बाथ का टेम्परेचर जो भी होगा वो होगा। आप समझ पाए क्या क्या किया गया, यस अब कैलकुलेशन करना है बस, आई होप ये काफी आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता है। पीवी बाय आर, पीवी बाय आर, यहां से पीवी बाय आर और यहां से पीवी बाय आर, यहां से पीवी बाय, ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ यहां से 1.5 कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक दैट 1.5 ऑन द अदर साइड एंड सो ऑन, सो हियर आई मे बी गेटिंग 2 डिवाइडेड बाई 273, करेक्ट जा रहा हूं मैं, यस देन 1.5 डिवाइडेड बाई 273 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई ये टी, टी सो इफ यू जस्ट सॉर्ट इट आउट दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई 273 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 273, 1.5 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 273 एंड दिस विल बी 0.5, पॉइंट ठीक है, 0.5 एंड दिस 1.5, कैसा
कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू 1 अपॉन 273, देयरफॉर t इज इक्वल टू 273 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना हो गया आंसर? 819, बट इट विल बी इन केल्विन, देयरफॉर 819 माइनस 273, सो दिस विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस, कितना हो गया? 546 सेल्सियस, सो बाय दैट वे वी कैन गो विथ ऑप्शन डी. तो इसका की पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मोल कांस्टेंट. यस, मोल इन इनिशियल सिचुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एक्चुअली इन फाइनल सिचुएशन. क्लियर हो रही है बात? यस. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. There are two containers of equal volume contain the same gas at pressure P1 and P2 and at absolute temperatures of T1 and T2 respectively. On joining the vessel, the gas reaches a common pressure. तो फिर common temperature क्या होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है. Join करने के बाद मान लें combined number of moles n हो जाते हैं, तो joining से पहले n1 और n2 थे. इसको बिल्कुल mass addition के हिसाब से सोचें आप. पहले वाले वेसल में नंबर ऑफ मोल्स n1 रहे होंगे, दूसरे वाले में n2 रहे होंगे, ज्वाइन कर दिया तो दोनों मिला के ऐड हो गए और टोटल नंबर ऑफ मोल्स n हो गए. क्लियर है? अब देखें इसमें नंबर ऑफ मोल का बाई फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो प्रेशर p दोनों वेसल को ज्वाइन कर दिया इसलिए कंबाइन वॉल्यूम 2V हो गया. जरा बात को समझें, हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल पीवी डिवाइडेड बाय आरटी. अब मैंने दो वेसल ज्वाइन कर दिए ना तो वॉल्यूम क्या हो गया? 2V हो जाएगा. फिर आप बोलेंगे सर प्रेशर को 2P क्यों नहीं किया? ऐसे नहीं होता, तो नहीं होता. वो कॉमन जो भी प्रेशर बनेगा वो बनेगा. वॉल्यूम ये एक डायरेक्ट एड और सब्ट्रैक्ट होने वाली चीज है. प्रेशर डिपेंड करती है ना कि गैसेस कैसे कंबाइन हो रही है, कितने टेम्परेचर पर आ रही है और बाकी सब कुछ. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कॉमन लेवल पे दोनों को ज्वाइन करने के बाद कॉमन लेवल पे जो भी प्रेशर आया वो कितना लिखा गया? पी लिखा गया. अब ये भी इन्होंने बोला कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर टी हो गया. तो बच्चों इसके नीचे मैं ऐसे लिखूंगा ना आर टी. Yes. जा रहा हूं मैं इक्वल. इनिशियल सिचुएशन कैसे लिखनी चाहिए? P1. वेरी गुड. लेट्स राइट. लेट्स से कि वॉल्यूम वी है डिवाइडेड बाय आर, फिर क्या लिखेंगे? T1 प्लस P2V डिवाइडेड बाय RT2. अब इसमें से ना बच्चों ये आर 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 वी 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 ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 2P बाय टी इक्वल्स P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2. लेट्स हैव अ लिटिल सॉल्यूशन टू इट. 2p by t is equal to p1 t2 plus p2 t1 divided by, अगर मैं गलत नहीं हूं, आना चाहिए t1 t2. अच्छा इस तरीके से ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, इस चीज को. वैसे ऑप्शन ऐसे भी बनाया जा सकता है, सिर्फ आपने ये करना है ना कि ये जो 2 है यहाँ पे इसको यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दें आप, क्योंकि आपको p बाई टी का रेशियो निकालना था तो आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2t और ये 2t. तो इसके हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ बच्चों तो ये ऑप्शन हमको सूटेबल लग रहा है. हालांकि ऐसे भी ऑप्शन आया जा सकता था 2, यहाँ नीचे 2 लेके आए आप, ये भी एक ऑप्शन अगर इसमें होता तो हम उसे च्वाइस कर लेते. आ गई बात समझ में ठीक से? यस सर. ओके अच्छा, एक बिल्कुल हल्का फुल्का और सादा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ. 21 बिल्कुल हल्का फुल्का सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इसमें. कन्वर्जन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू सॉलिड इज, एक आइडियल गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल. क्यों? रीजन क्या है? तो आइडियल गैस के बारे में जब हम कंसिडरेशन करते हैं तो उसमें
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल नहीं होते हैं। और सॉलिड की खासियत ये होती है कि उसमें मॉलिक्यूल्स कह लीजिए या एटम्स कह लीजिए, वो एकदम टाइटली एक दूसरे से अटैच रहते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बहुत तगड़े रहते हैं, इतने तगड़े रहते हैं कि वो आपस में जरा भी हिलते जुलते नहीं है, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल अगर बोले तो वो बिल्कुल नहीं हिलते जुलते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, बिकॉज दे आर इंटर दे मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब आइडियल गैस के मामले में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते ही नहीं है, तो एक आइडियल गैस को हम कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, रियल जो गैस होती है उसमें हम ये पॉसिबिलिटी को सर्च कर सकते हैं, रियल गैस में हम इसी बात को तो अज्यूम करते हैं कि उसमें थोड़े बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बात खास किसकी हुई थी? आइडियल गैस की, तो इसलिए हमारा क्लेम बिल्कुल साफ साफ रहेगा कि हम उसको कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक और इसी तरीके का हल्का फुल्का क्वेश्चन ले लें, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता भी दिया था पिछले लेक्चर में कि एक कौन सी कंडीशन पर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द लॉ पी वी इज इक्वल टू आर टी ओबेड मोस्ट क्लोजली बाय रियल गैस। मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि रियल गैस अगर ये इक्वेशन ओबे कर रही है तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो कौन सी कंडीशन पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। वेरी गुड, ये मैं आपको बिल्कुल लास्ट टाइम लिखा के भी दे चुका हूँ, दैट विल हैपन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो दीज आर जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा है, लंबा चौड़ा है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें आप। एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है जो कि किसी सिलेंडर के अंदर यहाँ पर कन्फाइन है, और इसको एक स्प्रिंग भी लगा है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट से ये ए, ये 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, सो आई जस्ट हाईलाइट दिस, ये फैक्टर क्या है, ए है, दिस इज ए एरिया। इनिशियली गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ये इतनी है, सो लेट मी राइट दिस एज इनिशियल वॉल्यूम वी वन, एंड द स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, स्प्रिंग में किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग को अगर हमने थोड़ा भी इलोंगेशन दिया तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। अब ये चाहे आप इलोंगेशन दें या कंप्रेशन दें, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ अगर हम चेंज करते हैं तो फिर उसमें स्प्रिंग फोर्स आ सकता है, और आपको पता है स्प्रिंग फोर्स जो है वो के एक्स होता है, जानते हो ना आप, स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू Kx, ये हम ऑसिलेशन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ एक हीटर लगा दिया है और इस गैस को हम हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट। तो बिल्कुल क्वेश्चन को बिना आगे पढ़े अगर मैं यहीं से क्वेश्चन को लॉजिकली समझने की कोशिश करता हूं तो मामला कुछ ऐसा होगा कि जब इस गैस को हीट किया जाएगा तो ये गैस एक्सपांड करने की कोशिश करेगी, करेक्ट है? Yes. और ये गैस अगर इसी तरीके से एक्सपांड करने की कोशिश करती है, अगर हम ये सर्च करें कि भाई गैस का एक्सपांशन होने वाला है, तो जरूर ये इस पिस्टन को पुश करेगी एक्सपांशन की वजह से, है ना, और अगर ये इस तरीके से पिस्टन को पुश करती है तो बाहर स्प्रिंग वाला फोर्स भी डेवलप हो जाएगा, अंदर का प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो अब ये कह रहा है कि जिस फोर्स कांस्टेंट को हम यूज कर रहे हैं स्प्रिंग को, उसकी वैल्यू है 8000 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो ये के दे दिया इसने अपने को, लेट मी मेंशन ये के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से इसके अंदर जो बना हुआ था वो इतना था 1 × 10⁵ पास्कल। द सिलेंडर एंड द पिस्टन आर थर्मली इंसुलेटेड, द पिस्टन एंड द स्प्रिंग आर मासलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर। मतलब बाकी का कोई दूसरा कोई किस्म का फोर्स नहीं आएगा, एक्सेप्ट दैट कि देयर इज अ प्रेशर एंड देयर इज अ फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग, और कोई हीट लॉस भी नहीं हो रहा है। अब ये बोल रहा है विद ऑल द अबव अजम्पशंस, इफ द गैस इज हीटेड बाय द हीटर अंटिल द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर, ये पिस्टन थोड़ा सा आगे खिसक गया, यहां से ये हल्का सा आगे खिसक गया, एक्स इतना आगे खिसक गया मान लें, और ये रही अपनी एक्स की वैल्यू, लेट्स से दिस एज एक्स।
तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रॉब्लम हमारे सामने रखा है, बट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पहले कुछ बातों को मुझे बताएं कि जो इनिशियल प्रेशर है P1 वो कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 × 10⁵ पास्कल, करेक्ट है? उसने बोल दिया आपने को ये रहा इनिशियल प्रेशर। आप मुझे ये बताएं कि इनिशियल वॉल्यूम कितनी है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों, तो इनिशियल वॉल्यूम भी हमको गिवन है, दैट इज 2.4 × 10⁻³ m³। दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी जब हम हीट करेंगे। अच्छा, यहां एक और बात, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ठीक है, केल्विन। अब सबसे पहले तो हमें यह सब समझना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, फाइनली जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो बच्चों सिंपल बात है, देखो जब हम इस गैस को हीट कर रहे हैं, समझो हाँ बात को, तो पिस्टन बाहर मूव करने की कोशिश कर रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपांशन, पिस्टन बाहर मूव करने की कोशिश कर रहा है। और मोर नेचुरली यहां पे क्या होगा, बिल्कुल लॉजिकली समझे, अगर ये स्प्रिंग नहीं होती है तो बस पिस्टन बाहर मूव कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पिस्टन बाहर चला गया, करेक्ट है? यस सर। पिस्टन बाहर जाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर कांस्टेंट रह गया। समझ रहे हैं बच्चों आप? यस सर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है आपको क्लियर? यस सर। अगर ये स्प्रिंग ना होती तो प्रेशर कांस्टेंट रहता, लेकिन स्प्रिंग है तो जैसे ही ये पिस्टन को बाहर पुश करने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग वाला फोर्स इसको अंदर पुश करने की कोशिश करेगा। तो इस स्प्रिंग वाले फोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो जाएगा बच्चों। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए पी डैश बोलूं तो मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया। बात को समझे? Yes, तो अब नया प्रेशर जो इस कंटेनर में डेवलप हुआ है ना, वो कैसे लिखा जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, तो वो प्रेशर होगा पहले से जितना था, वो तो है ही, प्लस उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर पी डैश आ जाएगा। अगर इसे ठीक से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हो गया P1 प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट विल बिकम KX बाई A। अब देखो बेटा, P1 कितना है? 1 × 10⁵ प्लस K का वैल्यू हमें बताया गया है 8000। इफ यू डू अ वेरी प्रॉपर कैलकुलेशन, 8000 इंटू एक्स का वैल्यू यहां मुझे सजेस्ट किया गया है 0.1, और जो एरिया हमें गिवन है वो गिवन है 8 × 10⁻³। करेक्ट जा रहे हैं? इफ आई सॉल्व इट, तो ये जो यहां रेशियो बन रहा है इसका आंसर भी 1 × 10⁵ आ जाएगा, देख लो आप। यस सर। ठीक है, तो यहाँ 1 × 10⁵ और इस वाले ब्रैकेट का आंसर भी 1 × 10⁵, तो दोनों का एडिशन हो गया, कितना हो गया ये? 10⁻¹। 2 × 10⁵, 10 कहाँ से ला रहे हो, पावर थोड़ी ऐड होगी, 1 + 1, 2 × 10⁵। तो ये हीटिंग प्रोसेस में ना प्रेशर बढ़ के इतना हो गया। आप सोचें बेटा, इसमें वॉल्यूम कितना हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्यूम V2। तो सिंपल बात है बेटा, पहले वाली वॉल्यूम तो उसमें रही ही होगी, प्लस एक और एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गई होगी। अगर ये खिसक के यहां तक आ जाता है, जस्ट इमेजिन करिए खिसक के यहां तक आ जाता है, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसमें डेवलप हुई है वो हमें निकालना है। तो इस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को निकालने का आसान तरीका A × x, सोचें सोचें आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ विच इट मूव्ड, A × x। जस्ट लाइक आप इमेजिन करें, ये ऐसे एक सिलेंडर की तरह है, तो आपको शायद जल्दी समझ आ जाएगा, ये एक सिलेंडर की तरह है। अब ये एक्सपांड हो गया, अगर ये एक्सपांड हो गया, ये ब्लू लाइन से मैं बता रहा हूँ, ये यहां तक पहुंचा, और लेट से कि ये वाली चीज एक्स है और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे ए है, तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पे हमको मिल रही है, इसको हम कैसे निकालेंगे? करेक्ट जा रहे हैं बेटा? यस सर। तो पहले वाली वॉल्यूम जितनी थी वो तो रहेगी ही, लेकिन उसमें और ax वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा। अब पहले वाली वॉल्यूम कितनी थी? 2.4 × 10⁻³
प्लस ए, ए देखें आप ध्यान से, तो 8 × 10⁻³ है इनटू एक्स इज 0.1, तो 2.4 में 0.8 ऐड कर दें आप, कितना आएगा आंसर? 3.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, करेक्ट जा रहा हूं मैं? यस। और हमें नया जो पॉसिबल टेम्परेचर है वो निकालना है। अब ये मैंने आपको पूरी उसकी समरी बता दी कि भाई क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये बाकी की चीजें इस तरीके से चेंज होंगी। अब नया टेम्परेचर हम कैसे निकालें? तो इसमें भी वही लॉजिक काम करेगा बेटा, ये कंटेनर पूरी तरीके से सील्ड है, तो हीट करने से पहले और हीट करने के बाद अंदर जो गैस का कंटेंट है, जो वो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, वो नहीं चेंज हो रहे हैं। हीट करने से पहले जितने मोल्स थे, हीट करने के बाद भी उतने ही मोल्स होंगे। एम आई करेक्ट? यस सर। आप बताएं, आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, वैसे देखा जाए तो? पीवी बाय आरटी। यस, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पीवी बाय आरटी। अब नंबर ऑफ मोल्स बच्चों बिफोर एंड आफ्टर अगर सेम है तो हमारा कैलकुलेशन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। हमें बस ऐसे मेंशन करना होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, फॉरगेट अबाउट दैट आर, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? P2 V2 बाय T2 डिवाइडेड बाय T2, बस काम खत्म। P1 1 × 10⁵ हो गया, V1 2.4 × 10⁻³ हो गया, T1 दैट इज 300 इन केल्विन, केल्विन में ही दिया हुआ है, P2 हमने ऑलरेडी एस्टिमेट कर लिया है 2 × 10⁵, V2 इसे भी हमने एस्टिमेट कर लिया है दैट इज 3.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर, और आंसर्स भी पूरे केल्विन में दिए गए हैं, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। आप इस चीज को फौरन कैलकुलेट कर लें और मुझे बताएं, ये कट गया, ये यहाँ से कटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। फर्दर मोर हम चाहें तो इस 2.4 को और इस 3.2 को भी काट सकते हैं बाय सेइंग 8 के टेबल ले लें, 3 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 4, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बिकम इक्वल टू 800 केल्विन। देख लें आप कौन सा ऑप्शन है इसमें। यस, बी ऑप्शन आ रहा है। आ गई बात समझ में? यस। चलिए, लेकिन इस पूरे सॉल्यूशन में बाकी टेक्निकल एनालिसिस तो अपनी जगह, की पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? क्या है की पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? कंटेनर में से गैस बिल्कुल ही लीक नहीं हुई थी, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स पहले जितने थे बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग भी उतने ही रहते हैं। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 18। टू आइडेंटिकल कंटेनर्स आर देयर, आइडेंटिकल जब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, हमें समझना चाहिए कि आइडेंटिकल जब ये वर्ड इस्तेमाल होता है तो वी शुड बी टॉकिंग अबाउट द इक्वल वॉल्यूम, सो बोथ ऑफ देम माइट हैव वॉल्यूम V0 एंड दे आर जॉइंड बाय अ स्मॉल पाइप। द कंटेनर्स कंटेन आइडेंटिकल गैसेस एट टेम्परेचर T0 एंड प्रेशर P0। नाउ बिफोर जॉइनिंग, एक्चुअली एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग द टेम्परेचर इज T0 एंड द प्रेशर इज P0 एंड द गैसेस आर ऑल्सो आइडेंटिकल, मीन्स द मॉलिकुलर वेट विल बी सेम। One container is heated to a temperature 2T0 while the other is maintained at the same temperature. The common pressure of the gas is P and N is the number of moles of the gas in the container at the temperature 2T0. तो फिर ये इसमें से क्या वैलिड होगा ये पूछा है इसने। तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लेट्स से कि ये पहला वाला कंटेनर है और इसको अटैच करके ये दूसरा वाला कंटेनर है, लेट्स टेक इट लाइक दिस, ठीक है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। इनिशियल कंडीशन में इन दोनों के हालात कैसे हैं? P0, T0, V0, इज इट ओके? यस। टू आइडेंटिकल गैसेस आर गिवन टू अस,
टू आइडेंटिकल गैसेस, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो गए होंगे, करेक्ट है? यस जैसे कि इनके हर एक के नंबर ऑफ मोल्स जो है इधर भी एन जीरो है और इधर भी एन जीरो है। अब बाद में से हमने क्या किया, इन दोनों में से किसी एक के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। लेट्स से कि इस वाले का टेम्परेचर हमने बाद में कितना कर दिया, टू टी टू जीरो, इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है कितने पे, अब जीरो दोनों में कॉमन प्रेशर आ गया पी, ऐसा कॉमन प्रेशर आ गया, प्लस ये जो टू टी जीरो वाला कंटेनर है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए एन। अब एन जीरो नहीं है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हो सकता है इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कुछ बदले होंगे एन डैश। अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो यहाँ गैस एक्सपांड हो जाएगी, गैस एक्सपांड होने की वजह से ये यहां से भाग के इधर चली जाएगी, सही है? यस नंबर ऑफ मोल्स कुछ चेंज हुए, और इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होते हैं तो वो पाइप क्रॉस करके जब यहां पहुंचेंगे तो इस कंटेनर के भी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बिफोर मेकिंग द टेम्परेचर डिफरेंस एंड आफ्टर मेकिंग द टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी सेम। जो मैं अभी आपको बता रहा था उसका सीधा सा मैथमेटिकल मतलब ये निकलता है, पहले एन जीरो प्लस एन जीरो और बाद में एन प्लस एन डैश, क्या कहते हो? ये कम ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन बात यह है कि पहले जितने थे बाद में भी उतने ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास मिला के 1,000 रुपये हैं, पहले दोनों के पास 500-500 रुपए थे, अब एक के पास 400 हो गए और दूसरे के पास 600 हो गए, लेकिन है तो 1,000। क्लियर हुई बेटा बात? यस आप सोचें इस एन जीरो को कैसे लिखेंगे हम, तो बेटा इस एन जीरो को ऐसे लिखेंगे ना, पी जीरो वी जीरो डिवाइडेड बाय हाँ आर का कोई टीचर मतलब नहीं रहता, चलो फिर भी लिख देता हूँ, टी जीरो प्लस, फिर एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी जीरो वी जीरो डिवाइडेड बाई क्या, आर हाँ टी जीरो। अब इधर क्या आएगा, कॉमन प्रेशर वी, वॉल्यूम तो बच्चों अभी भी वी जीरो है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, टू डिवाइड टी आर, लेकिन टेम्परेचर टू टी जीरो हो गया, प्लस कॉमन प्रेशर पी, वॉल्यूम तो अभी भी वी जीरो है, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है, सॉरी फॉर दैट, यहां ऐसे लिखना चाहिए मुझे आर, और हमने इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है टी जीरो, क्या कहते हो? यस तो चीजों को सिंपलीफाई कर लें, जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये टी जीरो आर, टी जीरो आर, ये वी जीरो, ये वी जीरो, ये वी जीरो, ये वी जीरो, ये सब निपट गया। अब यहां क्या बचा, टू जीरो प्लस पी जीरो टाइम्स ऑफ पी जीरो है ना, पी जीरो प्लस पी जीरो, और यहां क्या बचा, पी बाई टू अगर मैं गलत नहीं हूं, डिवाइडेड बाई पी, सो दिस विल बिकम टू टाइम्स ऑफ पी जीरो इज इक्वल टू 3 पी डिवाइडेड बाई टू। यस सो सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा पी इज इक्वल टू 4 पी जीरो डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट जा रहे हैं? यस सो दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट केस। अब इसमें एक और चीज भी हमसे पूछी गई है, मतलब ऑप्शन को देख के पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स का भी डिस्क्रिप्शन हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, तो क्यों ना इस एन नंबर ऑफ मोल्स को फिगर आउट करने की कोशिश करें। तो बच्चों अगर मैं सिर्फ इस एन नंबर ऑफ मोल्स को लिखता हूं तो देखो कॉमन प्रेशर पी आ गया, वॉल्यूम कितनी है वी जीरो, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर, और उस बॉक्स का टेम्परेचर कितना है, कंटेनर का टेम्परेचर टू टी जीरो, करेक्ट जा रहे हैं? अब अभी अभी हमने पी का वैल्यू निकाला, कितना निकाला, फोर फोर पी जीरो पी डिवाइडेड बाई 3 इनटू ये आगे का पूरा फैक्टर, दैट इज वी जीरो डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ आर टी जीरो। बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आंसर आ जाएगा टू पी जीरो वी जीरो डिवाइडेड बाय 3 थ्री आर टी जीरो, करेक्ट है? तो यस सी ऑप्शन भी इसमें मैच करेगा। अब इसे भी अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली समझते हैं तो इसमें भी बात उतनी सी ही है कि खाली इधर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल उठ के थोड़े बहुत उधर चले गए, थोड़े से इधर के उधर आ गए, लेकिन ओवरऑल कैसे हैं, कांस्टेंट है। इन बातों को आपने हमेशा ध्यान देना है कि कंटेनर कैसे हैं, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट किया गया है। अगर कंटेनर ओपन टू एयर होंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा, याद रखिए, ठीक? यस सर
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखें क्या बोल रहा है कि एट द टॉप ऑफ द माउंटेन अ थर्मामीटर रीड 7 डिग्री, मतलब ये ऊपर 7 डिग्री है और उसका जो प्रेशर है वो 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। प्रेशर बैरोमीटर से मेजर करते हैं हम। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बैरोमीटर वगैरह कैसे बनता है, उसका कंसेप्ट क्या है। बट फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रेशर है। तो टॉप का डिस्क्रिप्शन 7 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 70 mm सेंटीमीटर ऑफ एच जी, एंड बॉटम इट इज 27 डिग्री सेल्सियस विच इन केल्विन इफ आई मेक 300 केल्विन, एंड प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी रिस्पेक्टिवली। कंपेरिजन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का कंपेरिजन करना है। बिफोर आई एक्चुअली कंपेयर इट, मैं सबसे पहले टेम्परेचर्स को लिखने की कोशिश करता हूँ कि टेम्परेचर एट द टॉप कितना बताया इसने, 7 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करते हैं 273, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 280 केल्विन। और बॉटम वाला टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करते हैं दैट इज 273, तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान से सुने। ये जो फॉर्मूला है अपना PV इज इक्वल टू NRT है ना, इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझें तो हम इसमें मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी लेते हैं, क्या कहते हो? यस सर। आप जरा सोचें कि पी, ठीक है, इज इक्वल टू एम बाई वी आरटी बाई एम, कैसा रहेगा अगर ऐसे करें तो? ये एम को मैंने बस इसके नीचे ले लिया और वॉल्यूम को इधर लाया। मैं चाहता हूं कि आप इस फैक्टर पर सोचें, ये क्या है, क्या है ये? डेंसिटी। वेरी गुड, वॉल्यूम विल टेक डेंसिटी, तो ये हो गई डेंसिटी, उसके बाद ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, उसके बाद ये टेम्परेचर, उसके बाद ये मॉलिक्यूलर वेट। अब जरा आप सोचें बेटा कि प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर, इसका रेशियो अगर हम ले लेते हैं तो दूसरी तरफ क्या आया, आर बाई एम। अब आर भी कांस्टेंट है, एम भी, और इस माउंटेन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एयर ही है, मतलब सेम सिचुएशन, सेम गैसेस होंगी, तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होगा, कांस्टेंट। तो इसका सीधा सा मतलब क्या पता चला कि ये रेशियो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। सो यू आर डन विथ, अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, लेट मी जस्ट राइट हियर एज कॉन्स्टेंट, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर एट द बॉटम, डेंसिटी एट द बॉटम, टेम्परेचर एट द बॉटम शुड बी इक्वल टू प्रेशर, सॉरी प्रेशर एट द टॉप डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट द टॉप एंड टेम्परेचर एट द टॉप, क्या कहते हो? यस सर। अब हमें कंपैरिजन करना है डेंसिटी का टॉप टू बॉटम, तो इसी फॉर्मूले को बच्चों हम ऐसे कर देते हैं, डेंसिटी एट टॉप डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉटम इक्वल्स, तो ये डेंसिटी एट टॉप डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट बॉटम इक्वल प्रेशर एट टॉप डिवाइडेड बाय प्रेशर एट बॉटम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर एट बॉटम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट टॉप। आ गई बात समझ में? यस सर। अब इसमें देखिए सिर्फ नंबर्स पुट अप करने हैं हमें, ठीक से और कुछ नहीं है। प्रेशर एट टॉप कितना लेंगे, 70। प्रेशर एट बॉटम कितना लेंगे, 76। टेम्परेचर एट बॉटम कितना लेंगे, 300। एंड टेम्परेचर एट टॉप कितना लेंगे, 280। दैट्स इट। सो इफ आई जस्ट पुट इट अप हियर, डेंसिटी एट टॉप डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट बॉटम इज इक्वल टू, यहाँ कॉर्नर पे लिख रहा हूँ देखिए टॉप, प्रेशर एट टॉप कितना बताया था हमें, 70 डिवाइडेड बाय 76 इनटू टेम्परेचर एट बॉटम 300 डिवाइडेड बाय ये कितना, 280। तो सॉल्व कर लें इसको, और बस एक रेशियो के फॉर्मेट में ही लाएं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रेशियो के फॉर्मेट में रहने दें इसे, क्या आंसर आएगा? यस बता दें कितना आता है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है खत्म करते हैं।
कुछ निकला इसका आंसर? 75/76. ओके ट्राई करें आप उसे, ठीक से ट्राई करेंगे yes, sir. हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है. ये 0-0 काट दें और ये 7 और 28 को कैंसिल कर दें, या ऊपर 300 बचता है, या 4-4 304 से डिवाइड कर लें 75/76. इज इट ओके? यस सर. आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, एंड देन विल स्टॉप फॉर दिस लेक्चर. इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस इज गिवन टू अस इन दिस पैटर्न. ये वंडरवॉल्स इक्वेशन का एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, ऐसे समझ लीजिए. ए बी सी कांस्टेंट है, आर बी कांस्टेंट है. आइसोथर्म्स मतलब जो पैरामीटर्स यहाँ पर आते हैं ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड ऑल दोस, उनका एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया गया है. तो अब ये पूछ रहा है ए बी भी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो फिर ये एम और एन क्या होना चाहिए? तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ना, हमको बस इतना काम करना है कि इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के पैटर्न पे लेके आना है, बस इतना सा काम करना है हमें, याद रखिए इस बात को. तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं यहां पे ठीक से. पी प्लस ए टी स्क्वायर वी रेस टू माइनस वन, सोचो तो सही किया मैंने, यस सर, इक्वल्स आर टी डिवाइडेड बाई वी रेस टू सी प्लस बी. ये ऐसे करें, ऐसे करते हैं, एक मिनट, ऐसे करते हैं. आर टी प्लस बी डिवाइडेड बाई वी रेस टू सी, क्या कहते हो? यस सर. सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन. पी प्लस ए टी स्क्वायर वी रेस टू माइनस वन इक्वल आर टी प्लस बी, आर टी प्लस बी वी रेस टू माइनस सी. ये भी ठीक हो गया. यस. पी इज इक्वल टू आर टी प्लस बी वी रेस टू माइनस सी माइनस ए टी स्क्वायर वी रेस टू माइनस वन. अब ना बच्चों आप इस इक्वेशन को और मैंने जो इक्वेशन बनाई है ना उसको ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सी यहाँ पे है माइनस सी, ये इस एम की जगह पे आ रहा है. तो एम इक्वल हो गया माइनस सी, माइनस सी. और ये जो माइनस वन है यहाँ पे, ये इस एन की जगह पर आ रहा है. बाकी बी और ए तो कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसे जैसे ये वाले टर्म्स कांस्टेंट है, आर टी बी और ए टी स्क्वायर एंड सो ऑन. तो बस कंपैरिजन करना है और फिर देखना है कि एन का आंसर हमको माइनस वन मिला, इसके हिसाब से हम चॉइस देखेंगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको खास बताने थे इन रिलेशन टू द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. यहाँ पे हमने दो लेक्चर्स इस बात को समझने के लिए लिए कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है और पी वी इज इक्वल टू एनआरटी की इस कंडीशन को हम किस तरीके से अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हैंडल कर सकते हैं. कमिंग क्लास में होपफुली वी विल बी स्टार्टिंग विद द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, ये एक बिगिनिंग वाला पार्ट था पूरा, जिसमें आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्टरी आइडिया मिल जाए कि हमें किस तरीके की चीज़ों को पढ़ना है. गैस की कुछ कंडीशंस आपको समझ में आ जाएं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के कुछ रिलेशंस आपको समझ में आ जाएं, मोल्स का फैक्टर कुछ समझ में आ जाए. दैट्स व्हाई दीज टू लेक्चर्स हैज बीन टेकन. कमिंग क्लास से होपफुली विल बी स्टार्टिंग विथ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इट्स असम्पशंस. ओके.